वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। आज मैं आप लोगों को कार स्टीरियो में ब्लूटूथ का जो है सर्किट लगाने का बताऊंगा दोस्तों। ये आप लोग देख सकते हैं, ये कार स्टीरियो जो है बड़ी डिस्प्ले में है। और दोस्तों इसमें जो है डिस्प्ले तो है बट दोस्तों इसमें ब्लूटूथ नहीं है। तो दोस्तों जो है एक जो रिपेयरिंग करने के लिए आया है मेरे पास, और इसमें जो है जो बंदे ने बोला कि इसमें ब्लूटूथ लगा दो, तो दोस्तों आज मैं इसमें ब्लूटूथ लगाऊंगा और आप लोग को दिखाता हूं दोस्तों कौन सा सर्किट में लगाऊंगा। ये वाली आप सर्किट देख रहे हैं दोस्तों, जो कि इस सर्किट का है 1.8 BT। और दोस्तों इसमें लगाकर आप लोग को चलाकर दिखाऊंगा दोस्तों। वीडियो पूरा देखना, आप लोग को एकदम समझ में आ जाएगा कार स्टूडियो में कैसे आप लोग ब्लूटूथ जो है जो इंस्टॉल कर सकते हैं आसानी से। दोस्तों अभी हम इसको खोलेंगे और उसके बाद दोस्तों आप लोग को दिखाएंगे कि आप लोग कैसे इसमें लगाएंगे। पहले दोस्तों इसको हम पेज खोल लेंगे इसका इस तरीके से, और मैंने इसका पेज खोल दिया है। और दोस्तों इसको इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, पहले अलग कार्ड लगता था और दोस्तों अब दूसरे तरीके का ब्लूटूथ पैनल अब आता है। और दोस्तों हमें क्या करना है कि हमें इस पैनल को खोल देना है, क्योंकि जब पैनल खोलेंगे तभी दोस्तों लगा पाएंगे। देखिए दोस्तों इस पैनल को हमें इस तरीके से खोल देना है आसानी से, और उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग को कैसे लगाना है। देखिए दोस्तों इसमें काफ़ी बड़ी डिस्प्ले होती है, और ये जो है इसकी डिस्प्ले काफ़ी बड़ी है दोस्तों। इस पैनल में अभी हम बताऊँगा कैसे लगाना है, और पहले हम इसमें दोस्तों इसमें वायर में ये जो है ब्लूटूथ BT में इसमें वायर निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों इसका कनेक्शन आप लोग को सीधा सीधा कर लेना है, जो कि देखिए दोस्तों इसमें जो है ब्लैक वाला जो है ग्राउंड है, और उसके बाद रेड वाला जो है BCC 5 वोल्ट है, उसके बाद लेफ्ट और राइट जो है ऑडियो। देखिए दोस्तों लेफ्ट की और राइट की ग्राउंड, और उसके बाद जो है इसकी ऑडियो का वायर है। अब इसको हमें इसमें इंस्टॉल करना है, और अभी हम बताते हैं आप लोग को कैसे करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जहाँ ऑक्स होना चाहिए, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्स है, हमें ऑक्स पे कनेक्शन करना है। और आप लोग देख सकते हैं पहले हमें एक वायर इस यहाँ पे लगा देना है ऑक्स पे, और उसके बाद दूसरा वाला यहाँ पे लगा देना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे लगा देना है, और तीसरा वाला दोस्तों यहाँ पे लगा देना है। अब दोस्तों ये रह गया दो वायर, जो कि हमारा BCC जो हम 5 वोल्ट बोलते हैं, और इसको हमें USB पे लगा देना है। देखिए दोस्तों ये हमारा USB है, USB पे 5 वोल्ट हमको दे देना है। देखिए दोस्तों, और उसके बाद हमें यहाँ पे ग्राउंड दे देना है। आप लोग को मैं प्रॉपर दिखा देता हूँ, जो कि आप लोग को आप लोग इंस्टॉल करने में आप लोग आसानी से कर सकते हैं। देखिए दोस्तों ये हमारा 5 वोल्ट हो गया, और ये हमारा ग्राउंड हो गया, और ये दोस्तों R, और उसके बाद ग्राउंड, उसके बाद L जो है दोस्तों इसमें लिखा हुआ है लेफ्ट और राइट, लेफ्ट ग्राउंड और लेफ्ट ऑडियो, और उसके बाद राइट। देखिए दोस्तों बकायदा लिखा हुआ है, इसको इस तरीके से हमें इंस्टॉल कर लेना है। इसको क्या करना है दोस्तों, ऐसे यहाँ पे चिपका देना है, क्योंकि आप इसको ऐसी जगह चिपकाएंगे जहाँ पे दोस्तों शॉर्टिंग ना हो। देखिए दोस्तों इस तरीके से शॉर्टिंग नहीं होगा, और अभी हम इसको देखिए दोस्तों इसको इस तरीके से हम चिपका दिए। अब दोस्तों इसकी हम फिटिंग कर लेते हैं, और उसके बाद आप लोग को चलाकर दिखाते हैं दोस्तों। अब मैं इसमें ब्लूटूथ कनेक्ट करेंगे, आप लोग देख सकते हैं मैंने ब्लूटूथ इसमें जो है ऑक्स मोड पर रख रखा है। और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं एक स्पीकर यहाँ लगा है, एक यहाँ लगा है, और दोस्तों ये हमारा 12 वोल्ट है जो यहाँ पे लगा हुआ है, 12 वोल्ट है। और दोस्तों अब हम ये जो फ़ोन से कनेक्ट करेंगे, और अभी देखिए दोस्तों अब हम यहाँ पे सर्च करते हैं। देखिए दोस्तों 3.0 BT लिखा हुआ है, और ये दोस्तों अभी देखिए कनेक्ट। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैंने ब्लूटूथ कनेक्ट कर रखा है, और अभी हम यहाँ से चलाकर दिखाएंगे आप लोग को। आप लोग देख सकते हैं पहले हम इसको चालू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों ब्लूटूथ अब मैंने कनेक्ट कर रखा है, और अब मैं चला रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। देखिए दोस्तों देखिए,
और ब्लूटूथ बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है इसमें। इसको अलग अलग मोड पर आप चला सकते हैं। और आप लोग देख सकते हैं, अभी देखिए दोस्तों, देखिए ब्लूटूथ बंद हो गया और चालू हो गया। इस तरीके से दोस्तों आप लोग जो है कार स्टूडियो में आप लोग ब्लूटूथ जो है बना सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। और बहुत अच्छे तरीके से मैंने कनेक्ट किया है, आप लोग देख सकते हैं ये सर्किट लगी हुई है। और दोस्तों इसी तरीके से आप लोग जो है सिर्फ 20 से 25 रुपए में आपके नियर बाई मार्केट में ये मिल जाएगी सर्किट, और आप अपने जो है कार स्टूडियो में इंस्टॉल कर सकते हैं और आसानी से दोस्तों इस तरीके से, जो कि बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है। दोस्तों वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, उससे क्या है कि आप वो सब भी सीख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे आप लोगों के लिए, आप लोग जो है देख सकते हैं मैं अलग अलग तरीके की वीडियो बनाता रहता हूँ। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।